Prime Minister Modi, thank you very much for this interview. Thank you very much. जनता जनार्दन को भी हमारा नमस्कार. आपका पहला इंटरव्यू है ये, वन टू वन इंटरव्यू टू अ प्राइवेट न्यूज चैनल सिंस यू बिकेम प्राइम मिनिस्टर. एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दिस इज द फर्स्ट एवर इंटरव्यू बाय सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू अ प्राइवेट टेलीविजन न्यूज चैनल इन द कंट्री. सो आई वुड फर्स्ट लाइक टू थैंक यू एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर. मीडिया की वर्ल्ड इतनी बड़ी हो गई है कि हर किसी को इसके साथ जुड़ना ही पड़ता है. आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आवर व्यूअर्स विल बी वेरी ग्रेटफुल ऑल्सो मिस्टर मोदी, बिकॉज दे वॉन्ट टू हियर योर व्यूज ऑन अ रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स. मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाई टेकिंग यू बैक टू 20 मई 2014. 16 तारीख को रिजल्ट आए थे, उसके चार दिन बाद यू गेव अ हिस्टोरिक स्पीच इन द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट एंड यू वर स्पीकिंग टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. और आपने उस समय कहा था रिजल्ट्स के चार दिन बाद that an era of responsibility has begun and that you said that in 2019 before the elections I will come back to this parliament, I will come back to the MPs and I will give my report card. 40% into your tenure, how much have you achieved of your own targets? Main jab pehli baar sansad ke roop mein central hall mein gaya और सेंट्रल हॉल में मैंने पहली बार देखा था, मैं इसके पहले कभी गया नहीं था, तो मैंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री होना ये मेरे लिए ये पदभार नहीं है, कार्यभार है. और मैंने ये भी कहा था कि मेरी ये सरकार गरीबों को समर्पित रहेगी. आज मैं एकदम नया था, दिल्ली मेरे लिए नया था, दिल्ली का माहौल नया था, भारत सरकार का कार्यकलाप भी नया था, लेकिन उसके बावजूद भी इतने कम समय में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, और किसी एक मुद्दे पर नहीं जी, आप सरकार का कोई भी पहलू उठा लीजिए और पुरानी सरकार या सरकारों से तुलना करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि कोई विषय अछूता नहीं है. हर एक में नयापन लाने का प्रयास है, हर एक में बदलाव लाने का प्रयास है. दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी, एक तो चुनौती ये थी कि मैं यहाँ का अनुभवी नहीं था, सांसद भी नहीं रहा था, परिसर भी नया था, प्रश्न भी नए थे. लेकिन जब मैं दूसरी चुनौती देखता हूँ तो उन दिनों को हम याद करें, निराशा के गर्त में देश डूबा हुआ था. खबर ये आती थी कि अब बिजली सात दिन के बाद पैदा होगी कि नहीं होगी, कोयला आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे सारे हालात थे. पूरी सिस्टम एक प्रकार से निराशा की गर्त में डूबी हुई थी. उसमें एक बार नया विश्वास भरना व्यवस्था में, दूसरा देशवासियों में भरोसा पैदा करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी जो बाहर बैठकर के अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने उसको झेला है. लेकिन आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूं कि निराशा का हम नामो निशान नहीं है. कुछ कर गुजरने के इरादे सब दूर दिखाई देते हैं और वो शब्दों में नहीं, कुछ अचीव किया है. जब मैंने कहा था कि भाई हम निश्चित सीमा में गरीबों के बैंक अकाउंट खोलेंगे, अब जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो निश्चित समय इस मर्यादा में कहना, वो अपने आप में एक रिस्क था, लेकिन उसके कारण सिस्टम में एक विश्वास पैदा हुआ, अरे भाई क्या बात है, हम ही लोग इसको कर सकते हैं. तो वो एक विश्वास जगाने की सफल प्रक्रियाएं मैंने शुरू की. और आप आज देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में वो स्थितियां बदली हुई नजर आती है. इस सरकार का मूल्यांकन करते समय
ये बात कभी न भूलें कि आपको गत 10 वर्ष की सरकार के संदर्भ में ही करना पड़ेगा, तभी आपको पता चले जाएगा भाई कहाँ थे कहाँ है। बाकी हम ये ना कहें कि भाई मुझे तो वहाँ पहुँचना था तो क्या हुआ। अभी तो कालखंड वही है कि आपको बीते हुए कल के संदर्भ में वर्तमान को, और उसमें आपको उज्जवल भविष्य नजर आएगा। Mr. Modi, I want to start now on the issue of foreign policy. In the area of foreign policy, you have taken great personal interest. आपने जितनी personal रुचि रखी है foreign policy में, शायद ही previous prime ministers ने रखी है। आपका approach proactive है। You have also, what I find interesting about your foreign policy is that you have balanced different powers and different interests. On the one side, your relationship with the US, उनके साथ आपने missile control technology regime, you made sure India enters there. But a week before that, you also signed the historic Chabahar port agreement with Iran. So you have balanced very diverse forces. मेरा सवाल आपका इस पर है कि is it easy to do that as an Indian Prime Minister? Secondly, on the issue of the NSG, you staked a lot of your personal interest, personal push, बहुत active lobbying किया आपने. How close are we to getting the NSG seat? पहली बात है विदेश नीति की। हम लोगों का अंदाज नहीं है कि सबसे बड़ी बात क्या है जिसने इस विदेश नीति में ताकत भरी है। 30 साल तक हमारे देश में अस्थिर सरकारें थी, क्लियर कट मैंडेट वाली पार्टी को सरकार बनाने का 30 साल मौका नहीं मिला था। दुनिया किसी देश की सरकार को नापती है इन बातों से कि वो सरकार अपने देश में किस अवस्था में है, उसके शब्द की ताकत क्या है। इस देश की जनता का मैं बहुत आभारी हूँ, उन्होंने 30 साल के बाद एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी है और इसका विश्व की राजनीति पर एक असर होता है। दुनिया के देशों की और दुनिया के नेताओं की भारत की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। तो सबसे बड़ा अगर बेनिफिट है तो ये है। दूसरा, विश्व मुझे जानता नहीं था और विश्व हेड ऑफ द स्टेट कौन है वो जानना चाहता है। अगर मीडिया की नज़र से मोदी को कोई जानने की कोशिश करेगा तो वो भ्रमित हो जाएगा कि भाई ये मोदी सही कि वो मोदी सही। अगर ऐसा होता है तो देश का बहुत नुकसान हो जाएगा। दुनिया को भारत के प्रति विश्वास जगाने में मोदी का व्यक्तित्व रुकावट नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके लिए जब तक मैं उन नेताओं से मिलता नहीं हूं, वन टू वन बात नहीं करता हूं, खुलकर के बात नहीं करता हूं, वे भारत का हेड ऑफ द स्टेट क्या है उसको नहीं जान पाएंगे। तो मेरे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं कोई किसी राजनीतिक परिवार के हिस्सा नहीं था, मुझे कभी पहले विश्व के नेताओं के साथ मिलने जुलने का अवसर नहीं मिला। फॉरेन पॉलिसी पे आप अननोन एंटिटी, तो उसके कारण फॉरेन पॉलिसी के ज्यादा फॉरेन रिलेशन जी नया था। तो मेरे लिए प्रोएक्टिव होना एक अनिवार्य बात थी जी, जिसके लिए होना था। तीसरी बात है कि हम एक टीम के रूप में काम करते हैं। विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्री, सब लोग एक टीम बनकर के काम कर रहे हैं, टुकड़ों में नहीं है। ये जो इम्पैक्ट नज़र आ रहा है वो सिर्फ मोदी के कारण नहीं है, ये टीम के कारण है। सारी टीम निश्चित दिशा में काम करती है, उसके कारण नज़र आता है। जो पहले बिखराव था, हमने भी देखे हैं, पार्टी का बयान एक हो, प्रधानमंत्री का दूसरा हो, पार्टी लीडर का, ये बिखराव का बड़ा दुष्परिणाम होता है। तीसरी एक बात समझनी होगी कि पहले विश्व
बाइपोलर था, दो बड़ी शक्तियों के आसपास विदेश नीति चलती थी। हम इस बात को समझने में हमें देर हो गई भारत को कि अब बाइपोलर अवस्था नाम मात्र की रह गई है। अब पूरा विश्व बदले हुए हालात में, खास करके 21वीं शताब्दी में, ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है। पहले विदेश नीति सरकारों के बीच संभव थी, आज सिर्फ सरकारों के बीच संभव नहीं है। सरकारों के बीच होना जरूरी है, लेकिन पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। एक पूरा दायरा बदल चुका है। मैं इस बात को, मेरा पुराना कोई बैकेज नहीं होने के कारण, क्लीन स्लेट होने के कारण, नए सिरे से सब चीज़ मैं लिख पाता हूँ और उसका बेनिफिट हो रहा है। आज विश्व के हम सब देशों से जुड़ रहे हैं और इसके लिए मैं जितने सम्मान के साथ सऊदी अरबिया से बात करता हूँ, इतने ही सम्मान और उसके साथ ईरान से बात करता हूँ। मैं जितने सम्मान से अमेरिका से बात करता हूँ, उतने ही सम्मान से रशिया से बात करता हूँ। तो हमने इस बात को समझना होगा। तीसरी बात है कि हम छोटे देशों को छोटे न माने, ये सिद्धांत लेकर के मैं चल रहा हूँ। दुनिया के छोटे से छोटे देश की भी उतनी ही अहमियत है कि जितनी कि बड़े के बड़े देश की होती है। हमने ज़्यादातर बड़ों की छाया में, छोटे तो आ जाएंगे इस मूड में रहे हैं। मैंने इसमें बदलाव किया। आपने देखा होगा कि पैसिफिक आइलैंड के देशों की मैं एक रेगुलर मैंने फोरम बनाया है जी। दो मीटिंगें कर चुका हूँ, एक बार मैं वहाँ गया, एक बार वो। ये छोटे छोटे देश है, 10 लाख जनसंख्या, 20 लाख जनसंख्या, लेकिन छोटे छोटे आइलैंड ग्लोबल वार्मिंग के कारण सबसे ज़्यादा परेशान है। और जब भारत ने इंटरनेशनल सोलार अलायंस का मिशन लिया और दुनिया के करीब 122 देश जुड़ गए, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कोई है तो आइलैंड कंट्रीज है। अभी 50 की संख्या है। ये 50 देशों का एक बहुत बड़ा गुट भारत की इस विजन के साथ एक सुरक्षा महसूस कर रहा है। ये जो बदलाव है, इसको अगर हम समझेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि हम विश्व के अंदर अपने, मैंने पिछले दिनों हमारे फॉरेन सर्विस के अफसरों के साथ बैठा था, तो बातों बातों में मैंने उसको एक पोएटिक रूप में ऐसे ही बताया। मैंने कहा, देखो भाई, वो एक वक्त था जब हम समंदर के किनारे बैठ करके लहरें गिना करते थे। अब वक्त बदल चुका है, लहरें गिनने का समय पूरा हो गया। अब हमें अपनी पतवार लेकर के उन लहरों पर सवार होना है और अपनी दिशा, अपनी मंजिल, अपनी गति तय करनी है। बट मेरा दूसरा सवाल जो था, यू पुट सो मच एफर्ट फॉर एनएसजी मेंबरशिप। माय क्वेश्चन वाज, कितने करीब आ चुके हैं हम, हाउ क्लोज आर वी टू एनएसजी मेंबरशिप, एंड वर यू डिसअपॉइंटेड दैट वी डिड नॉट मेक इट एट द वेरी एंड बिकॉज ऑफ चाइनाज अपोजिशन। पहली बात है कि भारत ने लगातार ये सारे प्रयास किए हैं, कोई भी सरकार रही हो, चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप हो, चाहे एससीओ की मेंबरशिप हो, चाहे एमटीसीआर की मेंबरशिप हो, चाहे एनएसजी की मेंबरशिप हो, प्रयास सब ने किए हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई ये सरकार की कंटिन्यूटी है। ये हमारा ही कालखंड है कि जिसमें एससीओ की मेंबरशिप हो गई, ये हमारा ही कालखंड है कि जिसमें एमटीसीआर की मेंबरशिप हो गई, और मुझे पूरा भरोसा है कि एनएसजी की दिशा में भी हमने अब विधिवत रूप से प्रयास शुरू किया है। प्रक्रिया पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हुई है। अब हर चीज के अपने नियम होते हैं, नियमों से चलेगी और चल करके वो आगे बढ़े। चाइना के साथ माइंडसेट प्रॉब्लम है क्या? ये आप 13 बार, देर हैव बीन 13 एंगेजमेंट्स एट वेरियस लेवल्स बिटवीन द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एंड द चाइनीज गवर्नमेंट। लेटेस्ट जब आप अभी ताशकंद में गए थे और चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ अपने पर्सनली भी बहुत टाइम स्पेंड की है, फिर भी ये देखा गया है कि चाइना मसूद अजहर के मामले पे इन द यूनाइटेड नेशंस बैन से उन्होंने ब्लॉक किया, अब एनएसजी बिट को उन्होंने स्टॉल की।
Why is China repeatedly blocking us, Mr. Prime Minister, despite your personal proactive measures and your government's outreach? पहली बात है कि चाइना के साथ बातचीत हमारी होती है और होते रहनी चाहिए. विदेश नीति में ये जरूरी नहीं है कि हम समान विचार के ही हो तभी बात करेंगे. एब्सोल्युटली. विपरीत विचार के होंगे तभी बातचीत ही एक मार्ग होता है और बातचीत के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए. चीन के साथ भारत के कोई एक समस्या नहीं है, कई समस्याओं का ढेर पड़ा हुआ है और एक के बाद एक बातचीत करते 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 उसको हल्का करना या रास्ता निकालने का प्रयास चल रहा है. और मैं कह सकता हूं कि समस्याओं के समाधान में चीन भी हमारे साथ कोऑपरेटिव रहता है. कुछ विषयों में उनके सैद्धांतिक मुद्दे होते हैं, कुछ विषयों में हमारे सैद्धांतिक मुद्दे होते हैं. कुछ बातों में हम उनसे डिफर करते हैं, कुछ बातों में वो हमसे डिफर करते हैं और प्रामाणिक रूप से डिफर करते हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम चाइना से आंख में आंख मिला करके भारत के हितों की बात डंके की चोट पर कहते हैं. भारत के हितों का हम ध्यान रखने वाली सरकार है, इस बात में हम जरा ही कोताही नहीं बरतते. अभी मैं 3 दिन पहले चीन के राष्ट्रपति जी से मिला. भारत के हित क्या है वो मैंने उनको साफ शब्दों में अपनी बात बताई है. वो एक अलग देश है, हम अलग देश हैं. क्या आपको लगता है आप उनके माइंडसेट को बदल पाएंगे एनएसजी के मेंबरशिप को लेकर? देखिए, विदेश नीति माइंडसेट बदलने के लिए नहीं होती है. विदेश नीति मीटिंग द पॉइंट ढूंढने होते हैं, कहाँ मिलेंगे, कितना मिलेंगे हर देश से, और मिल बैठ करके चलना होता है. हमारी कोशिश है. ये बात जो आपने की, इट इज ऑल्सो एप्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमेरिका. आपने जो स्पीच दी यूएस कांग्रेस पर, बाय द वे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इट वॉज अ फैंटेस्टिक स्पीच. थैंक यू. देयर वाज अ लॉट ऑफ ह्यूमर. आप काफी हंसी मजाक भी कर रहे थे उस स्पीच में, जो शायद एक तरह से यूनिक था. वो भी अप्रिशिएट कर रहे थे. इम्प्रॉम्प्टू था क्या वो? वैसा मेरे मूल स्वभाव में तो मजाक या निशा है, लेकिन इन दिनों मजाक बहुत बड़ा संकट बन गया है. पता नहीं ऐसा क्यों, 24 घंटे चैनल में कौन शब्द कहाँ आधा उठा करके कौन क्या हवा भी बना देगा, डर लगता है. मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं सच बताता हूँ, पब्लिक लाइफ में से ह्यूमर चला गया है. उसका एक कारण ये डर रहता है जी. मुझे खुद को डर रहता है जी. पहले मैं भाषण करता था, साहब इतनी हंसी मजाक करता था, लेकिन कोई परेशानी नहीं होती थी. आप ज्यादा कॉन्शियस हो गए अभी? साहब डर रहे हैं, कॉन्शियस नहीं डर रहे हैं जी, सब कोई डर रहे हैं. मैं तो पार्लियामेंट में देख रहा हूँ जी, हंसी मजाक खत्म हो गई है जी, चिंता का विषय है. Maybe you should एक कहावत भी बोल दें हम, एक कहावत भी बोल दें तो किसी के साथ जोड़ देंगे और फिर चर्चा चालू कर देंगे. कहावत बोलने वाले को पता तक नहीं होता कि मैं किसके लिए बोल रहा हूँ. तो यू शुड नॉट लूज योर सेंस ऑफ ह्यूमर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर. लेकिन ये बात सही है कि अमेरिका की मेरी यात्रा और कांग्रेस के अंदर संबोधन और भारत के प्रति इस प्रकार का सम्मान का भाव, ये इतना हाई पर न जाता तो एनएसजी को लेकर के इतनी हमारी आलोचना करने के लिए कोई मैदान में नहीं आता. एनएसजी की आलोचना इसलिए नहीं हो रही है कि एनएसजी में कुछ गड़बड़ हुआ है, इसलिए हो रही है कि वहां हम ज्यादा सफल हो गए. तो आपको लगता है चाइना भी ज्यादा कॉन्शियस हो गया ऑफ आवर ग्रोइंग फ्रेंडशिप विद अमेरिका? मैं यहां जो हो रहा है इसकी बात कर जी. अच्छा नहीं, मगर अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में जब आपने वो स्पीच दी तो आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रेज यूज किया. आपने कहा वी हैव टू ओवरकम द हेजिटेशंस ऑफ हिस्ट्री. अब मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मगर जैसे हेजिटेशंस ऑफ हिस्ट्री. बट माय क्वेश्चन टू यू इज, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हाउ क्लोज कैन वी गेट टू अमेरिका? बिकॉज मेनी इंडियंस बिलीव दैट अमेरिका इज स्टिल सपोर्टिंग पाकिस्तान, गिविंग दम मिलिट्री असिस्टेंस. हाउ क्लोज कैन वी गेट? एट वॉट पॉइंट डू वी स्टॉप बिफोर वी आर सीन लाइक एन अमेरिकन ally? What is your own world view on that? मैं खास करके मेरे देश के मीडिया को एक आग्रह करूंगा कि भारत की हर चीज को पाकिस्तान के संदर्भ में देखना हम बंद करें. भारत एक स्वतंत्र देश है, 125 करोड़ का देश है. वो दुनिया के जिस देश के साथ बात करेगा वो भारत के हितों के संदर्भ में करेगा. ये हमारी सबसे बड़ी कमी और गलती रही है कि हमने अपने आप को एक देश के साथ टैग कर करके हर चीजें चलाई है. हम एक स्वतंत्र देश हैं, हमारी अपनी नीतियां हैं, हमारा अपना भविष्य है. हमारे 125 करोड़ देशवासियों के भविष्य को लेकर के चलना है. हमारे हितों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. इस मूल मुद्दों को लेकर के
अमेरिका के साथ हमारे संबंधों में हमारे संबंधों में काफी गर्माहट आई है. और आपने देखा होगा कि अमेरिका के अखबारों ने जो एडिटोरियल लिखे हैं मेरी इस यात्रा के बाद, उसका एक पॉइंट यह है कि ओबामा की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता है कि भारत के साथ उसकी गर्माहट भरी दोस्ती, ये कहा गया. तो व्हाट यू आर सेइंग मोदी जी, दैट वी कैन बी क्लोज टू अमेरिका बट वी नीड नॉट बी एन एलाय और बी सीन टू बी एन एलाय. पहली बात है, आज बायपोलर अवस्था रही नहीं है, दुनिया इंटरकनेक्टेड है, दुनिया इंटरडिपेंडेंट है. आपको एक साथ सभी लोगों से जुड़ना पड़ेगा जी. दो विरोधी एक दूसरे के देश भी आपको को दोनों से दोस्ती करनी पड़ेगी. अब वक्त बदल चुका है. मिस्टर मोदी, ऑन 8 मई 2014 मुझे मौका मिला था आपको इंटरव्यू करने के लिए. अहमदाबाद में इंटरव्यू हुई थी. आई थिंक वन लास्ट फेज ऑफ इलेक्शंस वाज लेफ्ट. हम बातचीत कर रहे थे पाकिस्तान के मुद्दे पर, और पाकिस्तान के मुद्दे पर आप मतलब अनकॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच रहा है आपका. दो दिन पहले लश्कर ए तोयबा ने हमारे 8 जो हमारे CRPF के जवान हैं, दे किल्ड 8 CRPF जवान इन एन अटैक. 8 मई के इंटरव्यू में आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग फेज रखी थी. आपने कहा था, बम बंदूक और पिस्तौल के आवाज में बात सुनाई देती है क्या, ऐसे आपने फ्रेज किया था. डू यू बिलीव वी हैव बीन टू जेनरस टूवर्ड्स पाकिस्तान? डू यू बिलीव वी हैव ज्यादा उदार हो गए हम पाकिस्तान की ओर? दो चीजें हैं. एक, भारत हमेशा ये चाहता है अपने पड़ोसियों से दोस्ती, उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है. हम सुख चैन से जीना चाहते हैं. और मैंने बार बार कहा है कि भारत को भी गरीबी से लड़ना है, पाकिस्तान से भी को भी गरीबी से लड़ना है, क्यों ना हम दोनों मिलकर के गरीबी से लड़े. ये बात मैं चुनाव के पहले भी बोल रहा था, मेरे इलेक्शन अभियान में भी बोल रहा था. तो और जब मेरे प्रधानमंत्री पद के शपथ थे तो मैंने सार्क देशों को निमंत्रित भी किया था, सब लोग आए भी थे. तो हमारे इरादे और सोच में और आज के हमारे व्यवहार में कोई फर्क नहीं जी. नंबर टू, टेबल पे जो काम जिनको करना है टेबल पे करेंगे, और सीमा पर जिसको काम करना है वो सीमा पर भी उतनी ही ताकत से करेगा. जिसकी जो जिम्मेवारी है वो बखूबी निभाएगा, और हमारे जवान निभा रहे हैं. ये बात सही है कि आतंकवादियों पर दबाव बढ़ा है, उनकी योजनाएं सफल नहीं हो रही हैं, जिस इरादे से वो आगे बढ़ना चाहते हैं रास्ते में ही उनको बहुत बड़े प्रतिकार का मुकाबला करना पड़ता है. तो इस निराशा के कारण वो घटनाएं हो रही हैं, और हमारे जवान अपनी जान की बाजी लगा करके देश की रक्षा कर रहे हैं. हमें नाज है हमारे जवानों पर. आपके फॉरेन पॉलिसी को जब स्टडी किया जाता है तो ऑब्जर्वर्स एनालाइज करते हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है. अब अगर आप मुझे मौका दें, मैं थोड़ा एनालिसिस करना चाहता हूँ. टेरिफिक पेस ऑफ एंगेजमेंट हो गया था अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीच में पाकिस्तान के साथ. 30 नवंबर को आप नवाज शरीफ जी को मिले थे, साइडलाइंस में बातचीत हुई थी, आप दोनों सोफा पर बैठ के बात कर रहे थे. कई लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि क्या बातचीत हो रही है, क्लाइमेट समिट पे आई थिंक हुई थी. उसके बाद अचानक 7 दिन बाद NSG लेवल टॉक्स हो गए. डोवाल जी ने बैंकॉक में जंजुआ जी के साथ बातचीत की, और वापस उसके बाद आप जब रशिया गए, रूस अफगानिस्तान से होते हुए आप एक अनएक्सपेक्टेड विजिट आपकी थी नवाज शरीफ जी को मिलने में लाहौर के लिए. वो पर्सनल था मगर फिर भी उसकी इंपॉर्टेंस और गरिमा एक थी. उसके 8 दिन बाद पठानकोट में पाकिस्तानी टेररिस्ट ने अटैक की. क्या आप हमारे दर्शकों को कह सकते हैं कि क्या अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या पाकिस्तान प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहा था? क्या पठानकोट के बाद उस पर चेंज हुई? क्या ये सही है कि उन 3 महीनों में काफ़ी मूवमेंट हो रही थी पाकिस्तान की ओर से? देखिए, पाकिस्तान में कई प्रकार के फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं. सरकार एक लोकतांत्रिक चुनी हुई व्यवस्था से ही बात करती है, और हमारी ये कोशिश जारी है, हमने की भी है. लेकिन हमारा सुप्रीम उद्देश्य शांति है, हमारा सुप्रीम उद्देश्य भारत के हितों की रक्षा है, भारत के हकों की रक्षा है. उसके लिए हम प्रयास करते रहते हैं,
और प्रयासों में सफलता भी मिलती रहती है। जहाँ तक मिलना जुलना बातचीत करना जो विषय है, वो तो हमने पहले ही दिन जब हमने हमारे शपथ समारोह में निमंत्रित किया उसी दिन ही वो क्लियर हो गया था कि हम दोस्ती चाहते हैं लेकिन हम हमारे हितों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और इसलिए मैंने कहा मेरे देश के जवानों को पूरी छूट है, जिस भाषा में जवाब देना पड़े वो देते रहते हैं और देते रहेंगे। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, लक्ष्मण रेखा क्या है पाकिस्तान के लिए, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैं चाहता हूँ कि आप अगर उस पर थोड़ा विस्तृत रूप से आप इस पर रिप्लाई करें। 2014 में माना गया था कि लक्ष्मण रेखा यह है कि बातचीत हो रही है तो दो देशों के बीच में हो, हुर्रियत के साथ ना हो, इट शुड बी बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। द अदर लक्ष्मण रेखा इज दैट यू मस्ट एक्ट ऑन 2611, अभी तक कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हुई है। अब तीसरी बात आ गई है पठानकोट के केस पर, वो फॉरवर्ड मूवमेंट करे। अभी इस वक्त लक्ष्मण रेखा क्या है, जो अगर पाकिस्तान उस लक्ष्मण रेखा में रहेगा तो फिर बातचीत पॉलिटिकल लेवल पे या किसी और स्तर पर हो सकती है? पहली बात है कि पाकिस्तान के साथ लक्ष्मण रेखा का फैसला किसके साथ करोगे, इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ कि और एक्टर्स के साथ? और इसलिए भारत ने हर पल सजग रहना पड़ेगा, हर पल चौकन्ने रहना पड़ेगा और उसमें कभी भी ढिलाई और कोताही नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन मेरे इन लगातार प्रयासों के परिणाम, मेरा लाहौर जाना, मेरा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यहाँ बुलाना, दुनिया को अब मुझे समझाना नहीं पड़ रहा है कि भारत की भूमिका क्या है। विश्व एक स्वर से भारत की भूमिका को सराह रहा है और पाकिस्तान को जवाब देने में मुश्किल हो रहा है, ये तो दुनिया देख रही है। अगर हम ऑब्स्टेकल बंद करके बैठते हैं तो दुनिया को हमें समझाना पड़ता है नहीं भी हम ऐसे नहीं है। दुनिया को समझाना नहीं पड़ रहा है, दुनिया भारत के विचारों को पूरे आतंकवाद, जैसे आतंकवाद विश्व कभी भारत के आतंकवाद की थ्योरी को बाय नहीं करता था, वो कभी कभी यहां तक कह देते थे कि ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। आज पूरे विश्व को भारत की आतंकवाद के विषय में जो बातें कहता आया है उसको मानना पड़ रहा है। भारत आतंकवाद की जो चर्चा करता है, आतंकवाद के कारण भारत को जो नुकसान हुआ है, आतंकवाद के कारण मानवता को जो नुकसान हुआ है, ये बात आज विश्व के गले उतर रही है। तो मैं मानता हूं इस बात को हमें और आगे बढ़ाना है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आई नाउ वांट टू मूव टू क्वेश्चंस ऑन द इकोनॉमी। पिछले दो साल में आपने कई सारे स्कीम्स शुरू की है। एक थीम अगर देखा जाए, जनधन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, स्वच्छ भारत, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, अगर इन सबको एक थीम में देखा जाए तो इस सोशल एजेंडा, इज योर सोशल एजेंडा एट द कोर ऑफ योर पर्सनल इकोनॉमिक फिलॉसफी? सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इज द सोशल एजेंडा एट द कोर ऑफ योर इकोनॉमिक फिलॉसफी एज द प्राइम मिनिस्टर? पहली बात है कि हम अंत्योदय की विचारधारा को लेकर के निकले हुए लोग हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें जो चिंतन दिया है, जिसके आधार पर हमारी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विचारधारा पल्लवित पुष्पित हुई है, उसमें, और महात्मा गांधी भी यही कहते थे कि भाई आखिरी इंसान के लिए क्या, तो मेरी विकास का पैरामीटर बड़ा साफ है कि विकास का लाभ सामान्य मानवी को, गरीब को कैसे मिलता है, और वही मेरी आर्थिक विषयों के केंद्र बिंदु में देश का गरीब व्यक्ति है। अब गरीब ताकतवर बनेगा और उतना ताकतवर बनना चाहिए ताकि वो गरीबी को परास्त करने की उसके अंदर हिम्मत आ जाए। गरीब को गरीब रख करके
गुजारा करने में मदद करना वो भी एक रास्ता है और गलत है ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, वो एक रास्ता है। लेकिन आज देश की स्थिति ऐसी है कि हम गरीब को ताकतवर बनाएं ताकि वो गरीबी के खिलाफ लड़ाई में मैदान में आए। हमारी सारी योजनाएं देश के गरीबों को एम्पावर करने की है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव लाने की है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना सिर्फ गरीबों का बैंक अकाउंट खुला ऐसा नहीं है, उससे उसको लगा है कि मैं देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहा हूँ। जो बैंक वो दूर से देखता था आज वो अंदर जा पा रहा है, इससे उसका मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आता है। और मजा देखिए, हमारी इकोनॉमी में कभी सोचा था कि गरीबों के जेब से करीब करीब 40,000 करोड़ रुपया बैंक की अर्थरचना में आएगा। इन गरीबों का जिसका कभी अकाउंट नहीं था, किसी ने 100 रुपया रखा, किसी ने 50 रुपया रखा, किसी ने 200 रुपया रखा, यानी मेन स्ट्रीम में आने के लिए उसका मतलब उसका 100 रुपया उसने बचाया, उसके जीवन में बदलाव शुरू हुआ। हम टॉयलेट बनाने में लगे हैं, टॉयलेट बनाने के पीछे मैं देखा, मैं अभी छत्तीसगढ़ गया था, एक माँ के चरण रज कर लेने का मुझे अवसर मिला। आदिवासी इलाके की एक गरीब माँ, उसके कान पे आया टॉयलेट बनाने का, उसने अपनी 4 बकरियां बेच दी और टॉयलेट बनाया। इतना ही नहीं, वो 90 साल की माँ डंडा लेकर के निकलती है और गांव में जितने भी 40-50 घरों का गांव होता है ट्राइबल, उसने हर घर में टॉयलेट बनाने के पीछे लग गई। ये जो चेंज आ रहा है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव लाने का कारण। मैं स्वच्छता अभियान कर रहा हूँ, स्वच्छता अभियान आज गरीब को एवरेज बीमारी के पीछे प्रति व्यक्ति 7,000 रुपये खर्चा आता है, मोटा मोटा हिस्सा। उसका मूल कारण है गंदगी। गंदगी से सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब को होता है। गरीब बीमार हो जाता है, 2 दिन रिक्शा नहीं चला पाता है, बच्चे भूखे मरते हैं। गरीब को इस प्रकार से बदलाव लाने में कैसे हम मदद कर सकते हैं, एक। दूसरा, अब देश न्यू मिडिल क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, नौजवानों का एस्पिरेशंस हैं, तो मेरी नीतियों का दूसरा पहलू आपने देखा होगा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, सी पोर्ट एक्टिविटी, पोर्ट एक्टिविटी, रेलवे एक्सपांसन, रेलवे स्टेशन अपग्रेडेशन, ये जो बदलाव है ये सीधा सीधा मिडिल क्लास सोसाइटी को अपील करता है। मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस हैं, हमें जॉब क्रिएशन करना है। जॉब क्रिएशन कैसे होगा, जब तक मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के अंदर धन नहीं लगाता हूँ तब तक जॉब क्रिएशन नहीं होगा। आज आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा बिजली अगर कहीं पैदा हुई आज़ादी के बाद तो इस वर्ष हुई, सबसे ज़्यादा कोयला निकला तो इस वर्ष हुआ, सबसे ज़्यादा एक दिन में अगर रोड बनते हैं तो इस वर्ष बने हैं, सबसे कम समय में पोर्ट पर, सी पोर्ट पर स्टीमर खाली होना और भरने का काम होता है तो अब हो रहा है। ये सारी चीज़ों का जो बदलाव है जो रोजगार के अवसर पैदा करता है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, मैंने ये कहा है कि हर बैंक एक महिला को और एक दलित या एक आदिवासी को आर्थिक व्यवस्था दे ताकि वो अपने पैरों पर अपना एक एंटरप्रेन्योर के रूप में बाहर आए, ये बहुत रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा। तो ये मेरे आर्थिक व्यवस्था की मूलधारा है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं आपको इस पे इंटरप्ट कर सकूं, लोगों के एक्सपेक्टेशंस एक तरफ होते हैं, एक तरफ आपका विजन होता है, कई सारे प्रोग्राम्स जो आप कह रहे हैं यू कांट पुट अ कैलेंडर डेट टू इट बट दे डोंट हैव एन इमीडिएट इंपैक्ट, दे मे बी एबल टू शो रिजल्ट्स इन 3, 4, 5 मे बी बियॉन्ड 5 years। नाउ देर आर चैलेंजेस इन दैट। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर अवेयर मोर देन एनीवन एल्स कि लोगों को इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए होता है। अब मैं जॉब क्रिएशन की बात आपने कही, पहली बात तो यह है कि एज एन अचीवमेंट यू हैव मैनेज्ड टू ग्रो द इकोनॉमी एट 7.5%, जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्लाइमेट बहुत ही ब्लीक है, इसके बारे में आपने बात भी कही है। आपने फिस्कल टारगेट्स मीट किए हैं, FDI इनफ्लोज बढ़ रहे हैं, मगर लोग ये कह रहे हैं कि अभी भी नौकरियां भर नहीं रही। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, मगर जो करंट स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इज इट अ, जो लेटेस्ट लेबर ब्यूरो के फिगर्स हैं, इज इट अ
सोर्स ऑफ कंसर्न फॉर यू एज द प्राइम मिनिस्टर? पहली बात यह है कि हमारे देश में 800 मिलियन 35 साल से कम आयु के लोग हैं, रोजगार की आवश्यकता बहुत है जी, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन रोजगार कहाँ मिलेगा? इन्वेस्टमेंट आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम में लगेगा, मैन्युफैक्चर के सेक्टर में जाएगा, सर्विस सेक्टर में जाएगा। अब जैसे हमने इनिशिएटिव लिए, हमने एक मुद्रा योजना बनाई, इस देश के 3 करोड़ से ज़्यादा लोग, वो कौन है? धोबी है, नाई है, दूध बेचने वाला है, अखबार बेचने वाला है, ठेका चलाने वाला, ऐसे ऐसे लोग हैं, उनको हमने करीब करीब 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा विदाउट गारंटी पैसा दिया। अब जिसको ये पैसा मिला है, क्यों लिया है उसने पैसा? तो अपने काम को बढ़ाने के लिए लिया है, एक्सपांशन के। जब वो एक्सपांड करता है तो आज अगर उसके यहाँ एक व्यक्ति काम करता है तो उसको 2 रखने पड़ते हैं, 2 करते हैं तो 3 रखने पड़ते हैं। आप विचार कीजिए कि 3 करोड़ ऐसे छोटे छोटे लोगों को जब पैसा इतना आया है तो उन्होंने काम बढ़ाया होगा। अब वो लेबर डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रेशन में नहीं होता है, 3 करोड़ लोगों ने अपना एक्सपांशन। अब जैसे हमने एक छोटा सा निर्णय किया कि हमारे देश में बड़े बड़े मॉल 365 दिन चलते हैं, लेकिन छोटे दुकानदार को छुट्टी रखनी पड़ती है। हमने बजट में निर्णय कर दिया कि छोटा दुकानदार भी देर रात तक दुकान चला सकता है, 7 दिन चला सकता है। मॉल को बंधन नहीं, गरीब आदमी को क्यों बंधन? अब क्या होगा, जो 7 दिन चलाएगा, देर रात चलाएगा, पहले उसके यहाँ एक आदमी काम करता था, उसको अब 2 रखने पड़ेंगे, रोजगार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो आपका फोकस एंटरप्रेन्योरशिप पर है? हर प्रकार से है हमारा। हम अब जैसे हम कह रहे हैं कि हम 2022 में हर एक को घर देना चाहते हैं, सबसे ज्यादा रोजगार देने की ताकत हाउसिंग में है। इतनी बड़ी मात्रा में घर बनेंगे, कितने लोगों को रोजगार बने? आपने देखा होगा पिछले वीक हमने टेक्सटाइल पॉलिसी लाया, ये टेक्सटाइल पॉलिसी में रोजगार देने वालों को इनकम टैक्स में रियायत मिलेगी। आप जितने ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। पहली बार रोजगार और टैक्स सिस्टम को जोड़ा गया है, तो ये चीजें हैं जो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए काम आती है, और हमारे सारे केंद्र बिंदु में सामान्य मानवी को रोजगार है। प्रधानमंत्री, सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन अभी भी कम नहीं हो रहा है, एक्सपेक्टेशन था कि फूड इन्फ्लेशन कम होगा, लोगों की उम्मीद आप पर प्रधानमंत्री के तौर पर ये बहुत है कि दाम कब कम होंगे, इसका राजनीतिक इम्पैक्ट ही नहीं सोशल इम्पैक्ट होता है। अब पिछले दो हफ्तों में खबर आ रही थी कि कई जगहों में दाल 150, दूसरे दाल 200 रुपए तक जा चुके हैं, और फिर टमाटर के दाम बढ़ रहे थे। ये क्या सिर्फ सीजनल है? क्योंकि फूड इन्फ्लेशन 7.5% पे बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस कम हो रही हैं, इससे क्या आपको लगता है कि परसेप्शन इश्यूज क्रिएट होते हैं आपके सरकार के लिए भी? देखिए, महंगाई को परसेप्शन से नहीं देखना चाहिए जी, महंगाई रियलिटी होनी चाहिए, थाली में क्या होता है उसके आधार पर चलता है, और वैसे ही होना चाहिए जी। महंगाई को परसेप्शन के आधार पर भागने का प्रयास किसी ने नहीं करना चाहिए, सच्चाई को स्वीकार करना होगा। आप देखें, पिछली सरकार में जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही थी, आज उस तेजी में बहुत कमी आई है। आप आंकड़े देख लीजिए, आपको मिलेगा। दूसरा, 2 साल का भयंकर सूखा इस देश ने झेला है, सूखे का सीधा असर सब्जी पे, अन्न पर, पल्सिस पर होता है, ये तो क्योंकि ये चीजें तो धरती पर पैदा होती हैं। अब इतना बड़ा सूखा आ गया तो उसमें तो किसी के हाथ में रहता नहीं है। दूसरा होता है इंपोर्ट करना, फिर ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने बहुत बड़ी मात्रा में ये दाल वगैरह इंपोर्ट की है। तीसरी बात है, आपको मालूम होगा भारत सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों की संयुक्त जिम्मेवारी होती है, ये न सिर्फ राज्य की जिम्मेवारी होती है न सिर्फ केंद्र की जिम्मेवारी, दोनों की संयुक्त होती है। ये ब्लेम गेम का विषय नहीं होना चाहिए कि भाई राज्यों ने ये नहीं किया और भारत सरकार ने ये नहीं किया, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि दोनों की संयुक्त जिम्मेवारी है, और इसलिए कठोर कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को अधिकार दिए हैं। स्टॉक कितना रहना चाहिए, स्टॉक रहना चाहिए, सारे निर्णय राज्य कर सकते हैं, ये सारे हक हमने दिए हैं। कुछ राज्यों ने अच्छा परफॉर्म किया है,
कुछ राज्य कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के इस काम को करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम इतने तो सफल हुए हैं कि जिस गति से महंगाई बढ़ रही थी उस गति से अगर बढ़ी होती तो पता नहीं क्या होता, उसको रोकने में सफल हुए हैं। लेकिन जहां तक दाल का सवाल है, भारत में उत्पादन बहुत कम हुआ है, कुछ दाल में जो किसान थे दाल करते थे वो ज़्यादातर शुगर की तरफ चले गए, वो भी एक चिंता का विषय है। हमने दाल में स्पेशल इंसेंटिव रखे, दाल का MSP अलग बनाने का प्रयास किया है, दाल को हमने लोगों से किसानों से बोनस के साथ लेने का दिशा में भी कदम उठाए हैं। तो दाल का उत्पादन बढ़े उस पर हमारा फोकस है, बाहर से ला करके स्टॉक करे वो भी फोकस है, प्रयास भरपूर हो रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि ये सरकार की सिंसियरिटी के संबंध में देश के किसी व्यक्ति को शक नहीं है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, व्हाट इज योर व्यू, मैं ये सवाल बहुत डायरेक्टली करूंगा आपसे, व्हाट इज योर व्यू अबाउट द कंट्रोवर्सी अराउंड द एग्जिट ऑफ रघुराम राजन एज द RBI गवर्नर? इस पर बहुत बातचीत हुई, ये भी कमेंट्री हुई कि इट मे अफेक्ट इंडियाज इमेज परसेप्शन एज अ ग्लोबल इकोनॉमी। व्हाट इज योर ओन व्यू ऑफ द कंट्रोवर्सी अराउंड द एग्जिट ऑफ रघुराम राजन? जब मेरी सरकार बनी 2014 मई में, आप मई जून जुलाई 2014 के अखबार निकाल दीजिए, टीवी डिबेट निकाल दीजिए, टीवी डिबेट ये होती थी क्या नई सरकार रघुराम राजन को रहने देगी, क्या नई सरकार रघुराम राजन को निकाल देगी, और करीब करीब एक मत सबका था कि पुरानी सरकार ने इनको अपॉइंट किया है तो उनका कार्यकाल ये मोदी पूरा करने नहीं देगा और उनको निकाल देगा। आपने देखा कि वो अपना पूरा कार्यकाल काम किए हैं, पूरा कार्यकाल जितना पुरानी सरकार ने जितने साल के लिए उनको अपॉइंट किया था वो पूरा कार्यकाल कर रहे हैं, तो वो सारी गलतफहमियां चली गई। दूसरा, मेरा 2 साल का अनुभव है कि आज जो लोग उनके लिए विवाद करते हैं वे रघुराम राजन जी को अन्याय कर रहे हैं। ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ। जो लोग कहते हैं, मैं मानता हूँ हम में से किसी से भी रघुराम राजन की देशभक्ति जरा भी कम नहीं है। उनके साथ ये अन्याय होगा ये कहना कि किसी पद पर होंगे तभी वो देश की सेवा करेंगे। मैं जितना रघुराम राजन को जानता हूँ वो किसी भी पद पर हो, कहीं पर भी हो, वो भारत की सेवा करने वाला इंसान है, भारत को प्रेम करने वाला इंसान है। और इसलिए रघुराम राजन की सेवाएं देश को नहीं मिलेगी, ऐसे रघुराम राजन नहीं है, वो देश को प्यार करने वाले इंसान है। तो ये उनके साथ बड़ा घोर अन्याय कर रहे हैं ऐसी भाषा बोलने वाले लोग। मेरा अनुभव उनके साथ अच्छा रहा है, उन्होंने जो काम किया है उसकी मैं सराहना करता हूँ और उनके भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं हमेशा रहेगी। अब प्रधानमंत्री जी, इससे रिलेटेड सवाल ये है कि आपने रिसेंटली जब आपने स्पीच दी एग्जीक्यूटिव में तो आपने 7 शब्द के प्रयोग किए, 7S, सेवा भाव, संतुलन, संयम, संवाद, समन्वय, सकारात्मक और संवेदना। मैं रघुराम राजन के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने ये शब्द आपने यूज किए इन योर नेशनल एग्जीक्यूटिव इलाहाबाद में 14 जून में आपने जब स्पीच दी, कि आपने कहा कि हमारे पार्टी लीडर्स और हमारे वर्कर्स जो हैं उनको अपने डेली डीलिंग्स और बिहेवियर में इनका यूज करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, रघुराम राजन के कॉन्टेक्स्ट में भी आपके राज्यसभा MP कई सारे कमेंट्स कर रहे थे और फिर उसके बाद भी देखा गया कि बड़े वरिष्ठ सरकारी ब्यूरोक्रेट्स के बारे में भी इस तरह की आलोचना कर रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है कि ये उचित है, संयम और संतुलन की बात जब हो रही है तो क्या ये उचित है? मेरी पार्टी में हो या ना हो, फिर भी मैं मानता हूँ इस प्रकार की चीज़ें अनुचित है। ये जो पब्लिसिटी का शौक है उससे कभी भी देश का भला नहीं होता है। बहुत जिम्मेवारी से हर किसी ने व्यवहार करना चाहिए। कोई अपने आप को व्यवस्था से बड़ा माने वो गलत है। That's a very clear message. मेरा बहुत स्पष्ट मैसेज है, उसमें कोई दुविधा नहीं है मुझे। And I find
Mr. Prime Minister, if I may say so, between 8th May and now, you are speaking as straight as you did before you took over as Prime Minister. So I think that answer takes me to the next subject. Mr. Prime Minister, the issue is that of black money. आपने बड़े इंटरेस्टिंग तौर से कहा कि प्राइसेस शुड नॉट बी लुक्ड एट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ परसेप्शन. इक्वली मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इट कैन बी सेड दैट एन इशू लाइक ब्लैक मनी शुड नॉट बी लुक्ड एट ओनली इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन, बट इट इज परसेप्शन फॉर्मिंग. इस पे पॉलिटिकल डिबेट्स तो जरूर होती है. एक्सपर्ट्स कहते हैं ब्लैक मनी इकोनॉमी श्रिंक हो चुकी है. जो 15-20% थी इकोनॉमी की, वो श्रिंक हो चुकी है. वो लैंड डीलिंग्स में हो, किसी और चीज़ में हो. यू हैव पास द ब्लैक मनी बिल, यू हैव मेड टैक्सेशन मोर ट्रांसपेरेंट, यू हैव स्टार्टेड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग विद कंट्रीज, यू हैव टेकन स्टेप्स. बट प्राइम मिनिस्टर मोदी, पीपल स्टिल एक्सपेक्ट दैट अ 25 लाख करोड़ विल बी ब्रॉट बैक एंड पुट इन टू देयर बैंक अकाउंट्स. How will you address that expectation? ये जो उम्मीद है लोगों की, जो उम्मीद है ब्लैक मनी को लेकर, आप उन्हें कैसे एड्रेस करेंगे? एक तो ये समस्या क्यों पैदा हुई, ब्लैक मनी विषय इतना गंभीर रूप क्यों लिया, इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा. इस देश के सामान्य व्यक्ति के मन में भी ये बात घर कर गई है कि जो लोग चोरी करते हैं वो विदेशों में रुपये ले जाते हैं. सामान्य मानव रियलिटी है. इवन मैं भी जब तक सामान्य नागरिक के नज़र से देखो तो मुझे भी लगता है यार ये पैसे जाते कहाँ हैं, मुझे भी लगता था. संसद में हमेशा इस बात को टाला गया. जब सुप्रीम कोर्ट में मसला गया और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आदेश किया कि SIT बनाओ, उसको भी 3 साल तक पुरानी सरकार ने टाल दिया, 2011 से 2014 तक. तब राजनीतिक दलों के मन में, देश के मीडिया के मन में, देश के सामान्य मनवी के मन में, कुछ तो काला है जी, तो काला धन का एजेंडा बनने का मूल कारण. और ये बात मैं आज भी कह सकता हूं, ये ठीक है कि विदेशों में पैसे हैं तो उसके कुछ नियम हैं दुनिया के साथ बातचीत करने का, लेकिन 2011 से 14 के दरमियान ऐसे लोगों को अपने रुपये इधर उधर करने का एक बहुत बड़ा अवसर दे दिया गया. और आपने कहा भी था 17 फरवरी 2014 को, आपने कहा था कि इस मामले पर सिर्फ जो उस समय के वित्त मंत्री थे सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं. आपने ये परिणाम ये हुआ, परिणाम ये हुआ कि ये लोगों को मौका मिल गया, इधर उधर जो कुछ उनको करने का मौका मिल गया. दूसरी बात है, हमने आते ही कैबिनेट का पहला डिसीजन SIT बनाना काले धन के लिए, जो कि 2011 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पेंडिंग पड़ा था, ये हमारी सिंसियरिटी दिखाता है. तब से लेकर के विदेश के काले धन के लिए जो कठोर कानून बना है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कितना कठोर कानून है, और जो भी उसमें लपेट में आएगा उसका क्या हालत होगा वो कानून देख करके पता चलेगा. तीसरी बात है, मैं G20 समिट में गया, कभी G20 समिट में काले धन की चर्चा नहीं होती थी. G20 समिट की मेरी पहली मीटिंग थी, मैं पहली बार दुनिया के देश के नेताओं को मिला था, और G20 समिट में पहली बार एक पैराग्राफ ये अनअकाउंटेड मनी के ऊपर आया, ब्लैक मनी पर आया, और 20 देशों का इसमें हमने दुनिया को कोऑपरेट करना चाहिए, ये डर्टी मनी, ये ब्लैक मनी, ये सारे टेररिज्म के साथ भी जोड़ करके देखा गया. विश्व सहमति का माहौल बना, दुनिया के कई देशों के साथ हमने एग्रीमेंट एक के बाद एक कर रहे हैं कि भाई आप हमको रियल टाइम ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे. अभी मैं स्विट्जरलैंड गया था, इसकी चर्चा बहुत कम आई. मेरे स्विट्जरलैंड से आने के तुरंत बाद स्विट्जरलैंड से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन यहाँ आया, भारत सरकार के साथ उस डेलीगेशन की मीटिंग हुई, और उस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं कि स्विट्जरलैंड, जो हमारे यहाँ पैसे रखने की जगह स्विट्जरलैंड मानी जाती रही कई वर्षों तक, वो स्विट्जरलैंड ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए हमसे सहमति बनाने की दिशा में चर्चा कर रहा है. वो चर्चा बन जाएगी, बहुत बड़ा काम होगा. तीसरी एक बात, आपने देखा होगा मॉरिशियस रूट, हर चीज में मॉरिशियस रूट आता था जी, भारत से काला धन बाहर जाना फिर मॉरिशियस रूट से आना, ये एक चर्चा हो रही थी. सबको लगता था कि मॉरिशियस रूट का कुछ नहीं हो सकता. ये हमारी सरकार है जिसने मॉरिशियस के साथ डायलॉग किया, पुरानी ट्रीटी में संशोधन किया, और मॉरिशियस रूट को ब्लॉक करने की दिशा में हमने सफलतापूर्वक नए सिरे से ट्रीटी की, और आने वाले दिनों में फेज आउट करके उसको पूरा कर दिया जाएगा. ये सारे निर्णय काले धन के खिलाफ लड़ाई के हैं,
ये एक जगह से बंदूक चलाने से काम होने वाला काम नहीं है, हो रहा है। दूसरा, भारत में काला धन जनरेट ना हो, भारत से काला धन बाहर न जाए, उस पर भी हम काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उसका परिणाम नजर आ रहा है। ये 15 लाख रुपए के मामले को जब ऑपोजिशन आप पर उठाती है तो उस पर आप चुनाव में ऑपोजिशन के लोग बोलने के लिए रहने दीजिए ना उनको, इतना तो रहने दीजिए उनको बोलने के लिए। प्रधानमंत्री जी, देयर हैज बीन नो मेजर फाइनेंशियल करप्शन और स्कैम इन योर टेन्योर इन द लास्ट 2 years. Perception is again what people say is because you keep a very tight control on the reins of government. But the question is, there are people, log hain jo willful defaulter hain aur jo economic offenders hain, wo desh se paisa lekar ya desh mein ek bade bade economic offense lekar wo videshon mein rehte hain, fir rules use karte hain, lawyers ko use karke they don't come back to India. And people are asking now that is the Narendra Modi government determined to take these cases of willful defaulters and economic offenders to their logical conclusion? Pehli baat hai, desh ki janta ke man mein sawal hi nahi hai. Desh ki janta ko pura bharosa hai, ye karega to Modi karega aur karke rahega. Desh ki janta ko pura bharosa hai. Does it worry you that these people have misused the laws and... मैं इसको मौका समझता हूं और मैं इनको कानून क्या होता है दिखाऊंगा। मिस्टर मोदी, और कई केसेस आए हैं करप्शन के अबाउट द प्रीवियस गवर्नमेंट व्हिच हैव नाउ कम आउट। अगस्ता वेस्टलैंड की बात हुई, कई सारे डिफेंस स्कैम्स और डिफेंस ट्रांजैक्शंस पे अब गंभीर रूप से एनालिसिस हो रही है। जो CAG रिपोर्ट्स में भी जो कहा गया था मगर जिनको इग्नोर किया गया था वो केसेस अभी सामने आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन का नहीं है, ऐसे सवाल देश के नेशनल सिक्योरिटी पर डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस रखते हैं। क्या आपको लगता है जब आपको कहा जाता है पॉलिटिकल विचंट है नरेंद्र मोदी सरकार की, या फिर ये सब केसेस क्या पॉलिटिकल पेट्रोनेज के बिना हो सकते थे? एक तो बहुत सी चीजें होती हैं जो सामने दिखती नहीं है। मैं अनुभव कर रहा हूं कि मुझे इतनी गंदगी के से चीज़ों को बाहर निकालने के लिए मेहनत पड़ रही है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और वो वहाँ जो काम कर रहा है उसको पता है कि कैसी गंद भरी पड़ी है और किस प्रकार से चीज़ों को उलझाया हुआ है, कैसी कैसी ताकतें जुड़ी हुई। वो तो मैं अगस्ता हेलीकॉप्टर का जैसे मसला है, जैसे जैसे हम जाँच कर रहे हैं, मैं इस बात का इनकार नहीं कर सकता और मैं नहीं मानता हूं कि ये शक करने का पूरा हक बनता है कि ये करने वाले लोग बड़े अनुभवी लोग हैं, इनकी बड़ी परफेक्ट प्रैक्टिस है ये सारे काले धंधे कैसे किए जाते हैं, यानी बड़े माहिर और जानकार लोग हैं। और ये भी चीज़ स्मेल कर सकते हैं कि कोई बड़े रक्षा कवच के बिना ऐसी बातें नहीं हुई होगी। अब जांच एजेंसियां कर रही हैं, कहां तक पहुंच पाते हैं देखते हैं, लेकिन टारगेट कर करके काम नहीं होना चाहिए और न ही मेरी सरकार करती है। पाप हुआ है, कितना हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है, वो जांच एजेंसी प्रोफेशनल वे में अपना काम करेगी, उस बीच में जो भी आएगा आएगा। प्रधानमंत्री जी, US में कांग्रेस में ने जो आपने स्पीच दी उसके बारे में बात कर रहे थे और आपके ह्यूमर के बारे में बात की, अब मुझे लगा थोड़ा इम्प्रॉम्प्टू भी था, मगर जो वहाँ पे बिल्कुल रिलेट कर पाए वहाँ के लोग कि आपने कहा कि हमारे आप हम आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स, यू सेड आई एम इन्फॉर्म्ड दैट द वर्किंग ऑफ द US कांग्रेस इज हारमोनियस। और फिर आपने पॉज, फिर उसके बाद एक पॉज था, फिर वहाँ पे लोग उस समय हंस रहे थे। फिर आपने कहा आई एम टोल्ड, पूरा एम्फोसाइज करके आप कह रहे थे दैट यू आर वेल नोन फॉर योर बाई पार्टिसनशिप, फिर द अपलॉज वॉज मोर एंड देन यू सेड यू आर नॉट अलोन एंड टाइम एंड अगेन आई हैव विटनेस्ड अ सिमिलर स्पिरिट इन द इंडियन पार्लियामेंट।
काफी रोमांचक तरीके से आपने काफी सीरियस बात के बारे में बात की, फिर आपने रेफरेंस रखा था अपर हाउस के बारे में, उस पर भी देयर वाज अ लॉट ऑफ रिस्पांस। पहले तो आपके ह्यूमर को काफी अप्रिशिएट किया गया, एंड आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल मोमेंट व्हेन यू वर स्पीकिंग। बट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, व्हेन यू लुक बैक एट पार्लियामेंट, दिस क्वेश्चन कम्स टू मेनी पीपल्स माइंड्स, हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बीन हेल्ड बैक from achieving his own objectives because of the non-stop parliamentary logjam? How much has this affected his moving towards his own targets? And agar thoda aap critical analysis kar sake situation ka, do you feel your government could have been more consultative, or do you feel the blame is entirely with the opposition? Main isko alag tarike se dekhta hoon. मैं मानता हूं जरा ज्यादा ही परेशानियां हो रही है। दोष हमारा है कि किसी और का है, ये मैं लोगों पे छोड़ता हूं, वो लोग निर्णय करें। लेकिन संसद में चर्चा होने से हो सकता है निर्णय ना हो, निर्णय विरोध में हो, उसमें क्या है, लेकिन चर्चा तो हो। दुख की बात यह है कि चर्चा से कोई भाग जाए, चर्चा न होने दे, ये लोकतंत्र में चिंता का विषय है। सरकारी काम हो या ना हो वो उतना चिंता का विषय मैं नहीं देखता हूँ, वो आज नहीं तो कल होगा, या कुछ चीजें ऐसी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, संसद है चर्चा के लिए, संसद है अपना विरोध व्यक्त करने के लिए, संसद है अपने विरोधों के तर्क देने के लिए, समर्थन के वक्त तर्क सुनने के लिए। ये जो संसद का मूलभूत स्पिरिट है, इसको बचाने की जिम्मेवारी हर किसी लोकतंत्र प्रेमी की है। वो संसद में उनकी भी है, संसद के बाहर है उनकी भी है, सत्ता में है उनकी भी है, सत्ता में नहीं है उनकी भी है। तो ये एक स्पिरिट का विषय है और करना चाहिए। जहाँ तक सरकार का सवाल है, हर मुद्दे पर हर फोरम में हम लोगों ने बातचीत करने के प्रयास की है। मैंने स्वयं में भी विपक्ष के नेताओं से मिलकर के बातें की हैं। बिल्कुल, हमारे सरकार के जो प्रमुख लोग हैं वो भी लगातार संपर्क में रहते हैं, और आपने देखा होगा कि कई मसले हल भी हुए हैं। कई भी हमने करीब राज्यसभा में पिछले सत्र में 12 बिल पास किए, लोकसभा में 10 बिल पास किए, तो गति बढ़ी भी है। लेकिन ये जो लोग विपक्ष विपक्ष कहते हैं ना, वो विपक्ष के साथ अन्याय है। सदन में ऐसे भी दल हैं जो बीजेपी के साथ नहीं है, एनडीए के साथ नहीं है, फिर भी महत्वपूर्ण निर्णयों में सरकार के फैसलों के साथ है। इसलिए सब विपक्ष सामने है, ये इस प्रकार से विपक्ष को बदनाम करना, ये जो कुछ लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। एक दल है जिसकी समस्याएं है, और उस दल को सारी दुनिया जानती है। दूसरी एक बात है, ये कहना कि भी आप भी विपक्ष में थे ऐसा करते थे, आप भी विपक्ष में ऐसा करते थे, विपक्ष विपक्ष में भी एक फर्क होता है। मैं 60 साल तक सरकार चला करके आज विपक्ष में बैठा हूं, तो मुझे सरकार की सारी नीति-गीति मालूम है, जिम्मेवारियां मालूम है। मैं अचानक वो बिहेव नहीं कर सकता हूं जो एक बिल्कुल नया सा विपक्ष कर दे, जिसने कभी सत्ता में रहा नहीं, जिसने देखा नहीं, तो हो सकता है वो करे। लेकिन अब जैसे मान लीजिए हम आज सत्ता में है, और मान लीजिए हम 2040 के अंदर हम विपक्ष में चले गए, तो 2040 में हम वो आचरण नहीं कर सकते जो हम 2010 या 9 में करते हो। कांग्रेस पार्टी तो बहुत एक्सपीरियंस्ड और पुरानी पार्टी है, इसीलिए तो मैं फिर ये प्रॉब्लम क्यों, मैं यही कहता हूं, जिन्होंने इतने साल तक सत्ता रही है उन्होंने ये नहीं करना चाहिए। कोई नया दल हो, विपक्ष हो, वो अपनी छोटी सी प्रदेश की कोई मांग हो, या एक आध एमपी अपने इलाके की मांग हो और कुछ कर बैठे, समझ सकते हैं। लेकिन जो इतने साल तक सत्ता में रहे हो उनको ये करना अच्छा नहीं लगता है। प्रधानमंत्री जी, क्या आपको लगता है कि जो जीएसटी बिल है 1.5 साल से ये रुकी हुई है? इट इज अ पाथ ब्रेकिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म, इट यूनिफाइज द कंट्री। रिसेंटली यू मेट
Ms. Jayalalitha after she was sworn in as Chief Minister. Mamata Banerjee has extended her support for the GST and Congress party ke bhi kai allies and state level par jo support kar rahe hain GST ko. Do you feel optimistic that the GST bill will be passed in the next session of Parliament? Pahli baat ye samajh lijiye ki GST ko hum sirf ek aarthik reform ke daire mein hi dekhte hain. Uske karan sahi baat niche nahi pahunchti hai. जीएसटी न होने का सीधा मतलब है उत्तर प्रदेश के गरीबों का नुकसान. जीएसटी न होने का सीधा मतलब है बिहार के गरीबों का नुकसान. जीएसटी का न पास होने का मतलब होता है बंगाल आसाम उड़ीसा जैसे गरीब राज्यों के गरीबों का नुकसान. ये बात राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं उनको समझ आनी चाहिए. जिन राज्यों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उन राज्यों के गरीबों के लिए जीएसटी लाभ करता है क्योंकि उस राज्य को सबसे ज़्यादा पैसे का लाभ मिलने वाला है. वो पैसे उस राज्य की गरीबों की भलाई के लिए काम आने वाले हैं और इसलिए चाहे ममता जी हो चाहे नीतीश जी हो चाहे अखिलेश जी हो चाहे नवीन बाबू हो ये सारे राज्य जीएसटी जल्दी पारित हो इसके लिए आग्रही है. एक ही दल है जिसने इसको अपना प्रतिष्ठा का विषय बनाया हुआ है. अब मुझे जिस प्रकार का अब एरिथमेटिक बन रहा है मैं आशा करता हूं कि बहुत ही जल्द गरीबों की भलाई में निर्णय हो. आपको हैरानी होगी कि विरोधवाद किस समय हद तक विकृति की ओर आगे बढ़ा है. गत सदन में हम एक एक्ट लाए थे. भारत सरकार के पास कैंपा फंड के 40,000 करोड़ रुपया पड़ा है. 40,000 करोड़ रुपीज वे हम राज्यों को देना चाहते थे. राज्यों को वो पैसों का उपयोग फॉरेस्ट्री के लिए करना है ग्रीनरी के लिए करना है पेड़ पौधे लगाने के लिए करना है उसी के लिए वो बिल है. अगर इस बारिश के पहले ये 40,000 करोड़ रुपया राज्यों के पास चला जाता तो इस वर्षा ऋतु का उपयोग वो फॉरेस्ट के लिए कर सकते हैं. कईयों को रोजगार मिलता पेड़ पौधे लगाने वाले गरीब आदमी को रोजगार मिलता पेड़ पौधे लगते बारिश में पेड़ पौधे अपना जम जाते एक साल के भीतर भीतर दिखने लग जाते. जस्ट विरोधवाद के कारण राज्यों के 40,000 करोड़ रुपयों के लाभ से राज्यों को वंचित कर दिया गया. जंगलों में ये पैसे काम लगने वाले थे आदिवासियों के लिए लगने वाले थे रोक दिया. तर्क कोई नहीं कोई तर्क नहीं. इसका रीजन थोड़ा मैं और इससे आपने कोशिश की थी आपने प्रधान आपके पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को और सोनिया गांधी जी को आपने इधर ही रेस कोर्स रोड में आपने आमंत्रित किया था बात हुई थी. फिर भी ये जो आपने वर्ड यूज की प्रतिष्ठा का सवाल ईगो इशू ये क्यों बन गया है और लोग ये जानना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर इसको क्यों खत्म नहीं कर पा रहे. इसका जवाब प्रधानमंत्री नहीं दे सकता है. इसका जवाब जहां से रुकावट होती वो ज्यादा दे सकते हैं लेकिन उसके बावजूद भी मेरा प्रयास जारी रहेगा. जिस प्रकार से समझा सकता हूँ मैं समझाने के लिए तैयार हूँ. किसी के घर जा करके चाय पी करके कहना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ. मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे देश के उत्तर प्रदेश के गरीबों को लाभ हो ये मेरा मकसद है. उत्तर प्रदेश की बात आपने की मिस्टर प्राइम मिनिस्टर 6-7-8-10 महीनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं. सारे देश की फोकस उस पर रहेगी. आप वाराणसी के सांसद हैं मगर कई सारे कमेंट्स आते हैं बीजेपी कोई कहते हैं संघ परिवार कोई इंडिपेंडेंट ग्रुप्स जो कॉम्युनल कलर आ जाती है और एक ही दल से नहीं अन्य दल से भी होता है ऐसा रिएक्शन बातचीत ऐसे हो सकती है. मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आर यू गोइंग टू बी एबल टू कीप डेवलपमेंट एज द सोल एजेंडा जो मुख्य मुद्दा होना चाहिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो डेवलपमेंट होना चाहिए ये कैप्साइज नहीं हो कोई फोकस दूसरा ना कर दे. क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि कॉम्युनल एजेंडा आगे नहीं बढ़ जाएगा. मेरा कन्विक्शन है मेरा कमिटमेंट है. 2014 के मेरे चुनाव में भी आपने देखा होगा मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा हूं
देश की नई पीढ़ी विकास में ही विश्वास करती है। मैं मानता हूं सब समस्याओं का समाधान विकास में है। ये जो तनाव की बातें लोग करते हैं उसका उपाय भी विकास में है। अगर हम लोगों को रोजगार देंगे, अब अगर हम लोगों को रोटी देंगे, अब हम लोगों की सुख सुविधा की चिंता करेंगे, लोगों को शिक्षा देंगे, तो सारे तनाव भी कम हो जाएंगे। और इसलिए जो भी देश का भला चाहते हैं उन सबसे मेरा यही आग्रह है कि हम विकास की स्पर्धा करें, कौन विकास में आगे बढ़ रहा है उसकी स्पर्धा करें, यही माहौल देश में बनना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि बन रहा है, इन दिनों बन रहा है। तो ये जो कहा जाता है हॉट हेड से जो एक्सट्रीम कमेंट्स करते हैं, क्या इनको नियंत्रित करने की ज्यादा जरूरत है ताकि धर्म के मुद्दे पर राजनीति ना हो? पहली बात है कि देश को विकास के मुद्दे पर ही आगे बढ़ना चाहिए, मेरा साफ मत है, और देश विकास के मुद्दे पर आगे बढ़े जरूरी है। मैं मीडिया के लोगों को भी कहता हूँ कि ऐसे बयानबाज लोगों को आप हीरो मत बनाओ। वो कमेंट्स भी तो करते रहते हैं, हीरो मत बनाओ ना, बंद हो जाएंगे जी। नहीं नहीं, हीरो कहाँ, हम तो विलेन बनाते हैं। कोई उनको, लेकिन उनको इतना क्या बड़ा बनाते हो भाई। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों के बयान कभी देखता हूँ आपके टीवी लोग है, कभी उनका चेहरा भी ना देखा हो। अच्छा। अब वो स्पोक्समैन बन जाते हैं आपके। सेल्फ स्टाइल्ड स्पोक्समैन, पता नहीं क्यों ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, 2017 में हम बात करें, 2016 में बात करें, 2017 इलेक्शंस की, दिल्ली के बाद बिहार, बिहार के बाद असम, पश्चिम बंगाल, उसके बाद हम बात करें पंजाब, पंजाब खत्म होने के पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, फिर बात है गुजरात में आपके अपने स्टेट के इलेक्शन की। क्या आपको नहीं लगता कि ये देश जो है ये परमानेंटली एक इलेक्टोरल साइकिल में फंसा हुआ है? यानी कि द फोकस कॉन्स्टेंटली, एंड आई वॉन्ट यू टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस इशू, द फोकस इज ऑन पार्टी पॉलिटिक्स, पोलराइजिंग इशूज, नॉट ऑन गवर्नेंस। वी आर अ कंट्री जिसको कहा जाए वी आर कॉन्स्टेंटली इन पोलिटिकल कैंपेन मोड। इज दिस अ गुड थिंग? शुड वी ब्रेक अवे फ्रॉम इट? एंड वॉट इज योर व्यू ऑन इट? देखिए, ये नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री का मुद्दा नहीं है, और न ही किसी एक दल का मुद्दा है, न ही किसी एक सरकार का मुद्दा है। लेकिन अभी गत सत्र के पहले स्पीकर महोदय ने सभी दल के लोगों को भोजन पे बुलाया था, एजेंडा मीटिंग होने के बाद भोजन के लिए बैठे थे, मैं भी भोजन के समय पहुंचा था। तो ऐसे ही भोजन पर बातें बात करते करते ऑलमोस्ट ऑल पार्टी के लोगों ने एक बात निकाली कि साहब ये केंद्र और राज्यों के चुनाव साथ साथ होने चाहिए, हर एक विषय निकाला। उसके बाद जब राज्यसभा के एमपी की विदाई का समारोह था, तो समारोह शुरू होने से पहले हम लोग ऐसे ही खड़े थे, तो सभी दल के नेता हम लोग ऐसे ही आपस में गप्पे गोष्ठी कर रहे थे, उसमें फिर से विषय किसी एक दल के नेता ने निकाला। उन्होंने कहा मोदी जी कुछ भी करो, ये चुनाव 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 में से बाहर निकालो। आपके दल के नेता थे कि नहीं? हमारे दल के नहीं थे। अच्छा। हाँ। तो मैंने कहा भैया चर्चा होनी चाहिए, इसमें क्या है। फिर मैंने एक दिन कहा भी मुझे सब लोग मिले थे, बात निकाल रहे थे, संसद में भी इस विषय की एक कमेटी में चर्चा हो चुकी है, लेकिन ये काम इलेक्शन कमीशन ने भी शुरू किया है, उन्होंने शायद चिट्ठी भी लिखी है। देखिए, काले धन के खिलाफ जो लड़ाई है ना, उसमें ये बार बार चुनाव ये भी काले धन के साथ जुड़ जाता है। देश को काले धन से मुक्ति दिलानी है तो चुनावों में भी सुधार आवश्यक है। उन सुधार के कई पहलू उसमें एक ये भी है, और मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री इसका निर्णय नहीं कर सकते और न करना चाहिए, न सरकार कर सकती है। इसकी व्यापक बहस होनी चाहिए, बहस से भागना नहीं चाहिए। ये लगातार चुनाव, राज्यों में चुनाव, ये जो चक्र चलता रहता है, आज हिंदुस्तान का मतदाता बहुत ही मैच्योर हो गया है। लोकसभा के लिए वो एक निर्णय करता है, विधानसभा के लिए दूसरा निर्णय करता है, हम लोगों ने देख चुके हैं। 2014 में लोकसभा का चुनाव और उड़ीसा का चुनाव साथ साथ था, बिल्कुल उसी मतदाताओं ने उड़ीसा के लिए एक जजमेंट दिया और दिल्ली के लिए दूसरा जजमेंट दिया। तो इस देश का मतदाता बहुत ही मैच्योर है, उसमें मैच्योरिटी पे भरोसा करना चाहिए, एक बहस करनी चाहिए। साथ साथ चुनाव लाने से
खर्चा कम कैसे हो सकता है, काला धन का जंजाल कैसे कम हो सकता है, 5 साल पूरा समय देश को आगे बढ़ाने के लिए समय मिल सकता है। आज आचार संहिता के कारण, जहां आचार संहिता नहीं है वहां भी नुकसान होता है। जैसे मैं जब गुजरात में था तो चुनाव ड्यूटी में जो अच्छे से अच्छे अफसर थे, करीब करीब 80-90 अफसर दो दो तीन तीन महीने किसी और राज्य के चुनाव की ड्यूटी में चले जाते थे। ऐसा हर राज्य को होता होगा, तो ये एक चिंता का विषय है और कभी न कभी तो सोचना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इस बहस को आगे बढ़ाएं, सभी राजनीतिक दलों को बुलाएं, सबसे चर्चा करें और जो उसमें से निकले। क्या इसमें टाइम बाउंड रेजोल्यूशन हो सकता है? ये इलेक्शन कमीशन साइमल्टेनियस इलेक्शन कमीशन तो सपोर्ट कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने सब दलों को बुला करके करना पड़ेगा ये प्रक्रिया को। एक पार्टी करने जाएगी तो बिगड़ जाएगा ये। आर यू विलिंग टू टेक द लीड इन बिल्डिंग दैट कंसेंसस? पहली बात है कि अच्छा होगा कि ये, क्योंकि हम प्रधानमंत्री होने के बाद भी हम एक दल को व्यक्ति हैं, तो वो सभी दलों के लिए उचित नहीं होगा। अच्छा होगा कि इलेक्शन कमीशन ही इसको इनिशिएट करें। और आज हमारे देश में इलेक्शन कमीशन की बड़ी प्रतिष्ठा है, सभी दल उसको उसके शब्द को मानते हैं और वो इंस्टीट्यूशन की अपनी ताकत बढ़े वो ज्यादा अच्छा होगा। आई थिंक इट्स अ इंटरेस्टिंग आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस। दो स्टेट पार्टीज, रीजनल पार्टीज में फील दैट इट विल अफेक्ट देम बैडली, दैट नेशनल पार्टीज लाइक द बीजेपी विल गेन, रीजनल पार्टीज विल लूज। उड़ीसा बेस्ट उदाहरण है, उड़ीसा बेस्ट उदाहरण है। 2014 में उड़ीसा में बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ स्टेट में, और लोकसभा में बीजेपी जीत गई। बिल्कुल फर्क दिखता है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हाउ आर यू कीपिंग योर शेड्यूल नाउडेज? आई मीन यू कीप अ टेरिफाइंग पेस। आप जितने मीटिंग्स करते हैं लोग कहते हैं कि आपके अपने अफसर कीप अप करना मुश्किल हो गया है। ऐसा तो नहीं है, अब 2 साल हो गए, सबको आदत हो गई है। लेकिन मेरा मत है कि इतना बड़ा देश है, जितना ज़्यादा काम कर सकते हो करना चाहिए, मैं करता रहता हूँ। बिफोर आई कम टू माई लास्ट क्वेश्चन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, one issue that I want to come to is the farmers crisis. As you are well aware, there has been a crisis in this country. You referred to it in that speech jiske bare mein maine shuru mein aapko pucha tha, jo 20 mai ko aapne speech di thi central hall of parliament mein apne mps ko, usme aapne kaha tha that this government is not for myself and I want to work, this government is for the poor, we must do something for them. The farmers crisis, Mr. Prime Minister, is a reality. And I am glad that in this interview you have not avoided the reality, you faced it, you've talked about it. We have linked our entire future to the monsoons. How do we overcome this from becoming an annual crisis in this country? देखिए, एक तो हमारे यहाँ वाटर मैनेजमेंट पे बल देना पड़ेगा, और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पानी पर हम बल दे रहे हैं। इस अकाल के दिनों में मैंने 11 राज्यों से अलग अलग मीटिंगें की और एक एक राज्य के साथ दो दो तीन तीन घंटे में बैठा। वैसे प्रधानमंत्री 11 राज्यों को बुला करके एक संयुक्त मीटिंग करके 10 मिनट अपना भाषण देते तो भी देश मान लेता कि प्रधानमंत्री बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने एक एक राज्य के साथ उनके अपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम और पानी के लिए हम क्या कर सकते हैं, और मुझे खुशी है किसी भी दल की सरकार क्यों ना हो, सभी सरकारों ने इस गर्मियों के दिनों में पानी पर काफ़ी फोकस किया है। इसका बेनिफिट इस वर्षा में मिलेगा। वैज्ञानिक तरीके से जल संचय, जल सिंचन, पानी को रोकने का प्रयास और पानी को खेत में पहुंचाने का सब लोग कर रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन पर बल दिया जा रहा है। इवन सुगर केन में अब धीरे धीरे किसान माइक्रो इरिगेशन पर आ रहा है, जो पहले मानता था फ्लड इरिगेशन से होता है, पैडी जहाँ बहुत ज़्यादा पानी चलती है, आज किसान पैडी में भी ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करने लगा है। तो धीरे धीरे पानी, अगर पानी की व्यवस्था हमने ठीक की तो एक संकट से बच सकते। दूसरा, देश आज़ाद होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम लाए हैं, जो मैक्सिमम किसानों को कवर कर सकता है और किसान को सिर्फ 2% देने की नौबत आएगी, सिर्फ 2%, बाकी सरकार भुगतान करेगी। किसान को एक एश्योरेंस मिलेगा। और कुछ तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए ऐसी है कि मान लीजिए महाराष्ट्र है और वहाँ पर
जून महीने में बारिश आने की संभावना मानी जाती है। किसान ने सारी तैयारी करके रखी है लेकिन अभी जोता नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगस्त तक बारिश ही नहीं आई तो उसकी फसल तो खराब नहीं हुई है क्योंकि फसल बोई नहीं थी। ऐसे किसान, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐसी है कि जो बुआई नहीं कर पाया उसको भी उसका लाभ मिल सके, यहां तक की व्यवस्था है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि फसल काट ली, खेत में रखी है, सब बहुत बढ़िया साल गई है, 100% पैदावार हो गई है, लेकिन उठाना अभी बाकी है, ट्रैक्टर वैक्टर लाना बाकी है, बाजार ले जाना बाकी है, और बारिश आ गई, काटने के 15 दिन के अंदर नुकसान हुआ तो भी फसल बीमा से पैसा मिलेगा। तो दूसरा एक रक्षा कवच और मिनिमम प्रीमियम मैक्सिमम रिटर्न, ये पहली बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश की आज़ादी के बाद आई है। तो एक एग्रीकल्चर की व्यवस्था, तीसरा पहली बार हमने ई मंडी का प्रयोग लिया है, किसान अपने गांव में अपने मोबाइल फोन से ई मंडी से वो अपना माल देश के बेस्ट मार्केट में बेच सकता है। इसके कारण वो तय करेगा कि मुझे किस दाम पर माल बेचना। पहले क्या था, किसान अपने गांव से बैलगाड़ी या ट्रैक्टर से निकलता था, 20-25 किलोमीटर दूर किसी मंडी में जाता था और वहां से फिर मन करता वापिस कहाँ ले जाऊँ, वही कहाँ रखूँगा, तो 10 रुपये कम भी मिला तो दे देता था। अब उसको घर बैठे पता चलेगा कि मैं किस मंडी में माल बेचूंगा। तो ये तीसरा, चौथा का है फूड प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन। हमने 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ओपन अप किया है फूड प्रोसेसिंग में, ताकि हमारा किसान अगर मानो टमाटर करता है, अगर कोई कंपनी पैसा लगा करके टमाटर का कैचअप बनाती है तो मेरे किसान को फायदा होगा। मैंने ये जो एरेटेड वाटर वाले लोग हैं जो कोका कोला और पेप्सी वगैरह, उनसे मैंने आग्रह किया कि आप 5% नेचुरल फ्रूट जूस मिक्स कीजिए। कोका कोला अभी नागपुर और विदर्भ के इलाके जहाँ संतरा होता है, संतरा का 5% वो करने वाला है। अगर हम एरेटेड वाटर में 5% नेचुरल जूस मिक्स करते हैं तो किसान को कभी फल बर्बाद नहीं होंगे, उसको मार्केट मिल जाएगा। हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑल आउट स्कीम लेनी चाहिए। और हमारी सरकार, अब जैसे हमारी ज़मीन इतनी बर्बाद हो गई है, हमने सॉइल हेल्थ कार्ड लाए हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड देने का बड़ा अभियान चल रहा है, उससे किसान को पता चलेगा मेरी ज़मीन किस उत्पादन के काम की है, ये दवाई की ज़रूरत है कि नहीं है, ये फर्टिलाइजर की आवश्यक है, उसको समझ आएगा। और एवरेज एक किसान अगर उसके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है तो 15-20 हज़ार रुपये वैसे ही बचा पाएगा। तो वैज्ञानिक तरीके उसको उपयोग, हमने यूरिया, हमारे देश में आपको मालूम होगा यूरिया लेने के लिए किसान जाता था, लाठी चार्ज होता था, यूरिया उसको ब्लैक में लेना पड़ता था। हमने यूरिया का नीम कोटिंग किया, 100% नीम कोटिंग किया। पहले यूरिया केमिकल फैक्ट्री में चला जाता था और सरकार की सब्सिडी किसान के नाम पर चोरी होती थी। नीम कोटिंग के बाद 1 ग्राम भी यूरिया किसी और काम में नहीं आ सकता सिवाय की खेती। नीम कोटिंग होने के कारण उसका क्वालिटेटिव चेंज आता है जो ज़मीन को ठीक करता है। और नीम कोटिंग के कारण जो पहले अगर 10 kg यूरिया उपयोग करता था, अब 7 kg से चल सकता है। तो ये सारे इनिशिएटिव एग्रीकल्चर के दिशा में है और उसके परिणाम नजर आने लगेंगे। क्या आपको लगता है कि ये फार्मर्स क्राइसिस रिजॉल्व हो जाएगी? जो मेरा सवाल था, इट वॉन्ट बिकम एन एनुअल अफेयर, द डिपेंडेंस ऑन द मॉनसून विल गो डाउन। देखिए, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट स्टेट का है, लेकिन भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिए हैं, इसको अगर इम्प्लीमेंट करने में राज्य उतना ही उत्साह दिखाएंगे, और मुझे लगता है दिखाएंगे, जो मैंने अभी 11 राज्यों से मीटिंग की तो पानी में काफ़ी काम किया है, ये अगर चल पड़ा तो हम, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सीधा सीधा भारत सरकार उसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो बहुत बड़ा फायदा होगा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, नाउ आई हैव 2 questions फॉर यू। बहुत लंबा कर दिए। दिस आई विल क्लब दीज 2 टुगेदर, बट यू आर ऑल्सो एंजॉयिंग इट एंड आई एम ग्लैड दैट यू आर स्पीकिंग मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज देयर इज सो मच ग्राउंड टू कवर एंड आई थिंक व्यूअर्स आर वुड लाइक टू हियर योर व्यूज। Actually, there are 3, if you allow me. they're short questions. First is that Prime Minister Narendra Modi, how much is politics playing on your mind? In the sense that every Prime Minister, especially someone who is as forthright as you, looks at the next big challenge. Is 2019 anywhere in your mind? जिन्होंने मुझे गुजरात में देखा है और जो पिछले 2 साल से इस प्रकार के पुरान कोई बायस के बिना देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि मैं अपॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर हूँ। चुनाव के सिवाय
मैं कभी राजनीतिक चीजों में उलझता नहीं हूं। चुनाव एक हमारी आवश्यकता कहो, मजबूरी करो या जिम्मेवारी कहो, लेकिन वो करना पड़ता है। आप, मैं इतने फंक्शन करता हूं, इतने क्षेत्र में जाता हूं, आपने मेरे मुंह से कभी राजनीतिक टीका टिप्पणियां नहीं देखी होगी। मैं सरकारी फंक्शन में जाता हूं, सरकार के विषय बोल करके आता हूं। रेलवे में गया तो रेलवे की बात करूंगा, पानी में गया तो पानी की बात करूंगा, समंदर का विषय होगा तो समझ। मेरा पूरा फोकस गवर्नेंस पे होता है। और मेरा मत है कि देश का सबसे बड़ा नुकसान इस बात से हुआ है कि चुनावों के लिए सरकारें चलाई गई है। चुनावों के लिए सरकारें नहीं चलानी चाहिए। सरकारें सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति का प्रामाणिक प्रयास होना चाहिए। चुनाव तो बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। लोकतंत्र है, जीत और हार चलती रहती है, इसके लिए इतना बड़ा हाइप करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमने और आपने देखा होगा, दो साल में मेरे सारे कार्यक्रम, आज मैंने अभी जो कहा है कि 30 सितंबर के पहले सब टैक्स दीजिए, बहुत बड़ा मैंने ये कहा है, कल मेरे मन की बात में भी बोला था। चुनाव जीतने की इच्छा रखने वाला ये कह सकता है कि 30 सितंबर के बाद आपको तकलीफ होगी? ये तो एक तरह से वार्निंग भी थी। वार्निंग है ही, प्राइम मिनिस्टर टू दोज हु अवॉइड टैक्स, वार्निंग है ही है। Am I right in assuming it was a clear warning? है, पहली मेरी वार्निंग है मेरे सरकारी अफसरों को कि आप नागरिकों को चोर मत मानिए। ये पहली वार्निंग मैं दे चुका हूं। मेरे अफसर को मैंने पहले हैंडल किया है, काफी समय लगा है मैंने उसमें। और दूसरा मेरा है, आप हैरान होंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 30 से ज्यादा लोगों को मैंने अर्ली रिटायरमेंट दे दिया इंटीग्रिटी के मुद्दे पर। ये छोटी चीजें नहीं है। 20-20 साल से जिनके तबादले नहीं होते, मैंने तबादले करवा दिए। तो एक तो मेरा फोकस है मेरी सिस्टम पर, दूसरा मैं देश में भी कहना चाहता हूं कि देश के गरीबों के लिए हमें कुछ देना पड़ेगा। हाँ, जनता के पाई पाई का खर्च हिसाब देने की जिम्मेवारी मेरी है, सही जगह उपयोग करूंगा, चोरी नहीं होने दूंगा। लेकिन अगर मुझे गरीबों को घर देना है तो रेवेन्यू तो लगेगा, और मैं कोई टैक्स बढ़ाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ जो देने योग्य हो उन्हें देना चाहिए, इतना ही मेरा आग्रह है। ज्यादा टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है जी। नागरिकों को परेशान किए बिना भी देश चलाया जा सकता है। मैं उस दिशा में काम कर रहा हूं, इसलिए मैंने नागरिकों को मौका दिया है कि 30 सितंबर तक कृपा करके आपका जो भी 10,000-50,000 आपको लगता है भैया मेनस्ट्रीम में आ जाना है, आ जाइए, टेंशन छोड़ दीजिए। 30 सितंबर के बाद सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। और मैं 10,000 रुपए हो या 10 लाख, मैं चुनाव की चिंता नहीं करूंगा जी, मैं कदम उठाऊंगा, मैं मेरे देश के गरीबों के लिए काम करना चाहता हूं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, सेकंड क्वेश्चन, डू सम क्रिस्टल बॉल गेजिंग अगले 3 सालों के लिए। If you were to look at the next 3 years, to use a cricketing analogy, how do you find your run rate so far? And will you have to score at a higher run rate in the next 3 years to achieve your own targets? देखिए, मैं कितनी ही गति आगे बढ़ाऊं, मैं कभी संतुष्ट होता ही नहीं हूं। मैं आज अगर 100 की गति से दौड़ता हूं तो मैं 200 की गति पर दौड़ने का इरादा रखता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस देश के, दुनिया हमसे पीछे थी, वो काफ़ी आगे निकल चुकी है। अभी उसके साथ मैच करने के लिए हमें बहुत दौड़ने की ज़रूरत है, और इसलिए ये हिसाब लगा करके चलने की ज़रूरत नहीं है, झोंक देना है। और मैंने अपने आप को झोंक दिया है, मेरी पूरी सरकार को झोंकने में मैं सफल रहा हूँ, और मैं मानता हूँ देश भी आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। फाइनल क्वेश्चन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, व्हाट मोटिवेट्स यू द मोस्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई सेड, विल यू बी एबल टू कीप दिस स्पेस? व्हाट मोटिवेट्स यू द मोस्ट? एंड ऑल्सो इफ यू कैन share with our viewers honestly, what is your one greatest source of worry? Pehli baat hai, main chinta ke bodh se kabhi jeeta nahi hu. Samasya, chunautiyan hai, iska inkaar koi nahi kar sakte, lekin chunautiyon ko chunauti deni chahiye, chunautiyon ko chinta mein convert nahi hone dena chahiye. Ye mera moolbhut siddhant hai, aur main chunautiyon ki chunauti deta hu. Main samasyaon se takrana pasand karta hu, ki samasyaon se bhagna pasand nahi karta hu. और ये, इसके लिए कोई जो भी नुकसान झेलना पड़े मैं झेल लेता हूँ, झेलता रहूँगा, लेकिन मैं देश को ऐसे असहाय छोड़ नहीं सकता हूँ। जिम्मेवारी लेनी चाहिए, मैं लेता रहूँगा, और इसलिए जो भी अच्छी बुरी बातें होती हैं सब मेरी सर आँखों पर, उसके लिए मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है देशवासियों ने मुझे काम दिया है, मुझे काम पूरा करना चाहिए।
तीसरी बात है, मैं देश के गरीबों को देखता हूं तो मेरा मन करता है, हाँ मुझे काम कर। मुझे कल पुणे में परसों एक श्रीमान चंद्रकांत जी मिले, एक रिटायर्ड टीचर 16,000 रुपये पेंशन, 5,000 रुपया वो स्वच्छता अभियान के लिए डोनेट करता है हर महीना। अगर एक रिटायर्ड टीचर 70 साल की उम्र, घर में बच्चे परिवार हैं, उनकी चिंता न करते हुए देश की चिंता करता हो तो मैं तो प्रधानमंत्री हूं, मुझे तो चंद्रकांत से 1,000 गुना दौड़ना चाहिए। यही मेरी प्रेरणा है। इस देश के छोटे छोटे लोग जो रात दिन मेहनत करते हैं वो मेरी प्रेरणा है, उनको देखता हूं मैं दौड़ता हूं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इट हैज बीन अ प्रिविलेज। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस इंटरव्यू एंड थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आवर व्यूअर्स दैट यू स्पोक फ्रेंकली। द प्रोग्राम इज फ्रेंकली स्पीकिंग एंड आई एम थैंकफुल टू यू दैट यू वर सो फ्रैंक। मैं इतनी प्रार्थना करूंगा कि उसमें से विवाद पैदा मत करना भाई, देश की भलाई के लिए कुछ अच्छी जगह आगे बढ़ा रहा। आप ऐसा ना सोचे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू।